कोविड से जूझते हुए मरीजों को एक नई बीमारी के बारे में चिंता हुई है, ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्वेसिव फंगस है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में स्प्रेड करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बीमारी में और कोरोना वायरस में काफी फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, मतलब जिस तरह कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, ऐसा इसमें नहीं है। ये फैलता है जब कोई शख्स इन्वायरमेंट में मौजूद फंगस के बीज के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, बहुत छोटे बीज, इन्हें आप देख तक नहीं सकते, इन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बॉडी में चोट या जलने की जगह से या फिर मुंह या नाक के थ्रू इंटर होकर स्किन में डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। ये बीजाणु हवा में, धूल, मिट्टी, इवन खाने तक में हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा खाना, धूल और हवा हर चीज के कांटेक्ट में आता ही है। तो सवाल ये है कि क्या ये नई बीमारी है? कोविड की तरह ये नई बीमारी नहीं है। कोविड-19 एकदम न्यू इन्फेक्शन था, पर ब्लैक फंगस के केस पहले भी आते रहे हैं, पर पहले ये काफी रेयर था और नॉर्मली ये फंगस उतना इन्फेक्शियस भी नहीं होता। पर इस वक्त इसके तेजी से केसेस आने की वजह है कोरोना वायरस, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस जैसे फंगस का मुकाबला बहुत आसानी से कर लेता है, पर कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट कर देता है। म्यूकोरमाइकोसिस उन कोविड-19 के पेशेंट्स को होता है जो डायबिटिक हैं और शुगर अच्छी कंट्रोल में नहीं है, जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन सिस्टमिक स्टेरॉइड मिले हों, जिनको इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स मिले हों, जो लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रहे हों या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हों लंबे अरसे तक। म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादातर कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में होता है, यानी कि कोविड से रिकवरी हो जाती है और उसके बाद ये इन्फेक्शन उनको पकड़ती है। इस बीमारी के लक्षण ये हैं कि आपके चीक में पेन हो सकता है, नाक स्टफी हो सकता है, नाक से खून या क्रस्ट गिर सकते हैं, सिर में दर्द होगा, आंखों में असर पड़ेगा, ब्लरिंग विजन या डबल विजन भी हो सकता है, दांत में कभी दर्द हो सकता है या दांत लूज हो सकते हैं। जैसे ही ये सिम्टम्स आपको आते हैं, आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है। डिले मत करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाएंगे इसका इलाज हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है, ये आपकी विजन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी ब्रेन की तरफ फैल सकती है। पहली वेव में हमने म्यूकोरमाइकोसिस के केस देखे थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने इस बार देख रहे हैं। इस बार म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी ज़्यादा हैं और म्यूकोरमाइकोसिस की सिवेरिटी भी ज़्यादा है, काफ़ी पेशेंट्स की विजन भी जाती जा रही है, इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी के साइंस जो डॉक्टर पता करेगा, ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट, टोसिस यानी कि आईलिड ड्रूपिंग, प्रोप्टोसिस यानी कि आई का ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाना, पैलेटल डिस्कलरेशन, पैलेटल नेक्रोसिस, फेशियल स्वेलिंग, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इस बीमारी में और ये साइंस ऑफ द डिजीज़ हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में स्किन के ऊपर भी डिस्कलरेशन होता है और वो भी एक लक्षण हो सकता है इस बीमारी का। इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि CBC, आपका किडनी फंक्शन, एक स्वाब लेके टेस्ट करते हैं कि इसमें फंगस ग्रो करता है कि नहीं, CT स्कैन कराते हैं देखने के लिए बीमारी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, और कॉन्ट्रास्ट एनहेंस MRI करा सकते हैं देखने के लिए कि ये फंगस आँख और दिमाग में कहाँ तक फैला हुआ है। आपके ब्लड शुगर की जाँच होती है और डॉक्टर ज़्यादातर नेजल एंडोस्कोपी करके अंदर देखते हैं कि उनको फंगस, नेक्रोटिक मटेरियल, फंगल डेब्री या ब्लैक मटेरियल दिख रहा है कि नहीं, जो एक साइन है कि आपको यह फंगल इन्फेक्शन हो रही है। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है, सबसे पहले शुगर का कंट्रोल ठीक तरह से करना है। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम एम्फोटेरिसिन B या तरह तरह के एंटी फंगल एजेंट्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ताकि वो फाइट करे इस इन्फेक्शन को। और इस बीमारी के सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जितना भी डेड नेक्रोटिक टिश्यू और फंगस है अंदर से, उसको सर्जिकली निकालते हैं और आई और ब्रेन को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मैं व्यूवर्स से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हाई डोज स्टेरॉयड बिना मेडिकल सुपरविजन घर पे ना लें। अगर आप डायबिटिक ना भी हैं और आप बिना मेडिकल सुपरविजन के स्टेरॉयड का हाई डोज खुद खाएंगे, तो आपका शुगर भी बढ़ सकता है। बीमारी के 80% केसेस की एज 50 साल से ज्यादा थी और साथ में उनके कोई और हेल्थ इश्यूज भी थे। डॉक्टर्स ने इससे बचने के कुछ तरीके बताए हैं, जिनमें सबसे मेन तो ये है कि कोविड के माइल्ड सिम्टम्स होने वाले पेशेंट जो घर पर ही उसका इलाज कर रहे हैं, तो उन्हें स्टेरॉइड्स का यूज नहीं करना है, उससे बहुत ज्यादा शुगर भी हो सकता है। और फिर कोविड, स्टेरॉइड और ब्लड शुगर मिलकर इस इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह बन सकते हैं। दूसरा बेस्ट तरीका है मास्क लगाना, क्योंकि ये हमारी नाक से या हमारे मुंह के थ्रू
हवा में होने की वजह से बॉडी में इंटर हो जाता है। तो धूल मिट्टी वाले इलाकों में तो मास्क लगाना लगभग जरूरी ही है। और जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उन्हें वक्त वक्त पर अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहने की जरूरत है, क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ब्लड शुगर अचानक ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। मास्क के अलावा भी जितना हो सके अपनी पूरी बॉडी को ढक कर, और अगर कहीं चोट लगी है तो उस चोट को ओपन बिल्कुल भी ना होने दें। COVID-19 के अलावा किसी बॉडी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाने वाले या HIV पॉजिटिव या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ऐसी जगह जाने से बचे जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए एक स्टेप वाइज अप्रोच हमने अडॉप्ट किया है और बीमारी की स्टेज के ऊपर अप्रोप्रिएट रेमेडी या थेरेपी शुरू की जाती है। आप अपने आप ट्रीटमेंट मत शुरू करिए, मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर आप कोविड रिकवर्ड हैं और डायबिटिक हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए इस बीमारी की, और बाकी लोगों को इसके बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन लोगों को ये बीमारी नहीं होती।